देखिए यामा का FZ है, नया मॉडल गाड़ी है। इसका ब्रेक कंप्लेंट है, ब्रेक कंप्लेंट बोलने से ब्रेक आवाज़ करने लग रहा है नया गाड़ी का। ठीक है, इसका क्या परेशानी है हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो ब्रेक तो बराबर है, पीछे ब्रेक का, सामने ब्रेक टनाटन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीछे ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज़ कर रहा है। क्यों आवाज़ कर रहा है देखा, ये है फ्रंट ब्रेक, फ्रंट ब्रेक। ठीक है, देखिए फ्रंट ब्रेक का डिस्क प्लेट देखिए, ठीक है, चिकनाहट देखिए, इधर देखिए पीछे वाला का देखिए, कैमरा में शायद उतना क्लियर नहीं आ पा रहा लग रहा है। देखिए ब्लैक हो गया वो स्टील कलर का, हाँ, और ये देखिए ब्लैक हो गया। ठीक है, ये ब्लैक होने का कारण क्या मैं बता रहा हूँ, इसका ब्रेक शू हो चुका है, घिस गया। ठीक है, हम इसे में ब्रेक शू डालने वाला गाड़ी में। ठीक है, देख सकते गाड़ी, नया गाड़ी, ब्रेक शू कैसे पता चलेगा, ब्रेक मारने से गर्म होने से आवाज़ कर रहा है ब्रेक। ठीक है, उसी लिए हमारे पास आया गाड़ी, हम चेक किए तो हमारा ब्रेक शू खत्म हो गया, हम इसका ब्रेक शू भी रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई ये देखिए नया ब्रेक शू है, हम इसका भी इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन हम बिना टायर खोल गए, ना टायर खोलेंगे, ना कुछ डब्बा खोलेंगे, ना वायलिंग करेंगे, ना कुछ करेंगे। देखिए हम इतना आसानी से इसको ब्रेक शू लगा सकते हैं, हम दिखाएंगे इसको ये वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर का मदद चाहिए मोनो को, एक देखिए 5 नंबर का एलिंकी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्क्रू ड्राइवर का क्या काम है बता रहा हूँ, देखिए देखिए हल्का गैप किया इसको, दूसरा इसको फिर अंदर दबा देना, दबाने के बाद देखिए पिस्टन को दबाना है, पिस्टन अंदर का, ये देखिए पिस्टन को अंदर दबा दिए इसको डर से, ये देखिए ऐसे पिस्टन दबाएंगे, देखिए ऑयल का लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए पिस्टन दब गया, अभी हम लोग को क्या करना है, ये दो एलिंग की बोल्ट है दिया है वो ऊपर में, देखिए ये देखिए देखिए इधर एक बोल्ट है, इसका इस पर भी एक बोल्ट है, दो बोल्ट लगे रहेगा। ठीक है, दो बोल्ट कैसे लगे रहेगा बोलने से, देखिए दो खाँचा दिया हुआ है, एक खाँचा में और एक खाँचा में बोल्ट को पकड़ के रखते हैं, ब्रेक शू इधर उधर ना हिले बोल के। ठीक है, हम इसको भी दो बोल्ट निकालता हूँ, निकालने का ब्रेक शू पैड भी निकालता हूँ। देखिए अब इसको निकालता बोल्ट को, बस बाहर खींचने से आसानी से आ जाएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए इसको कैलिपर पिन बोलते हैं, इसको निकाल देना है। नहीं देखिए निकल गया, दो पिन निकल दिया और पैड देखिए आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए एक प्लेट इधर है, इसको रख दो टायर के ऊपर, दूसरा साइड के तो रखिए, इसको क्लीपर को उधर आगे कर लेना, अरे ब्रेक शू। ठीक है, इसको भी रखता हूँ ऊपर में, और देखिए इसमें देखिए ये दे, ये देखिए तो छेद मन रहता है ना कि डिस्क मन में, ये छेद इसीलिए देता है, प्लेट जब डिस्क प्लेट जब चलता है गाड़ी को तब डिस्क गर्म होता है, गर्म होने से जब रनिंग रहने से थोड़ा गैप रहने से थोड़ा ठंडा मिलेगा, नहीं तो ये भी लाल होके गर्म होके जल जाएगा। ठीक है, उसी लिए छेद मन दे रहता है ताकि हमारा जो डिस्क प्लेट है थोड़ा ठंडा हो सके रनिंग गाड़ी में। ठीक है, और देखिए ये हमारा डिस्क प्लेट है, ये देखिए पूरा घिस के ख़त्म हो चुका है, इसका देखिए मार्किंग थोड़ा थोड़ा बचा है लेकिन ये भी ख़त्म है, मतलब सही टाइम में बराबर चेंज हो रहा है। अरे देखिए नहीं वाला कितना हाइट रहता है, देखिए
इंडिकेशन देखिए यार, इसको देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब इसको नया हम लगाने वाले हैं इसमें, ठीक है।